आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 7 अगस्त हो गई, यानी कि एक सप्ताह अगस्त का भी निकल गया है। जून और जुलाई तो निकल ही गए, अब केवल आप देख सकते हैं कि इस महीने के 3 हफ्ते और अगला महीना। मानसून लगभग आधे से ज्यादा अपनी जर्नी पार कर चुका है और 7% की बढ़ोतरी के साथ है। काफी अच्छी बारिश अगस्त के महीने में हमने देखना शुरू किए और जुलाई में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी। जून थोड़ा सा कमजोर रहा था, लेकिन अब अगस्त का महीना सामान्य से ज्यादा बारिश देखेगा। सितंबर में भी बारिश काफी अच्छी रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आपका न्यूट्रल कंडीशन है वो, यानी कि जो मैंने जैसे बताया था ना, लानीना अल नीनो न्यूट्रल कंडीशन होती है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि अल नीनो पिछले साल था तो मानसून हमारा कमजोर था 94%, यानी जो पूरी बारिश होती है पूरे साल में, मतलब जो मानसून के महीने में 1 जून से 30 सितंबर के बीच में, उसका 94% था जो सामान्य से कम था। 96 से 104% नॉर्मल होता है, तो इस बार नॉर्मल के ऊपर की साइड में या अबव नॉर्मल बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और अल नीनो जब होता है तो पूर्वी प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय जगह पर जो है समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, समुद्र में गर्मी बढ़ जाती है, वहाँ बादल ज़्यादा बनते हैं। पेरू और साउथ अमेरिका में भारी बारिश होती है और जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का मानसून कमजोर हो जाता है। लेकिन जब न्यूट्रल कंडीशन होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर भी हमारी साइड में तापमान बढ़ने लगते हैं और वहाँ पर पूर्वी प्रशांत महासागर में गिरने लगते हैं। जब न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है तो हमारा मानसून धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है, और जब लानीना बन जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह जो ठंडे होने लग जाते हैं, वहां से जो ट्रेड विंड है, यानी कि जो पूर्वी हवाएं जो भूमध्य रेखा के आसपास चलती हैं, वो गर्म पानी को धक्का देकर के हमारे यहाँ ले आती हैं, और यहाँ पर सब समुद्र में पानी गर्म होने लगता है तो ये बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो यहाँ पर बारिश ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हमारा मानसून लानीना के समय अच्छा होता है। तो लानीना बनने वाला है और ये पूरे मानसून में रहेगा, पूरी सर्दियों में भी रहेगा, तो ये अच्छी खबर है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी अच्छे आएंगे तो सर्दियों में भी अच्छा स्नोफॉल वगैरह होगा। यानी कुल मिलाकर के आगामी कुछ महीने हमारे किसान भाइयों के लिए और पूरे भारत के भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो वेदर सिस्टम देखते हैं कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है। डिप्रेशन जो ये बना हुआ था ये अब कमजोर हो गया है, इसको मैंने कल बनाया था। अब इसको आगे देखें तो ये यहाँ पर अभी ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर के एरिया के रूप में ये बाहर निकल गया, पाकिस्तान के ऊपर आ गया है। तो अब क्या होगा कि जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो जाएंगी, लाइट रेन रहेगी, पैची रेन, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा मॉइस्चर एटमोसफियर में है। जब नमी एटमोसफियर में ज्यादा होती है तो जैसे ही धूप निकलती है, गर्मी होती है, तो वो जो नमी है वो बादल बन करके, यानी कि हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है और फिर से बारिश होती है, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती। तो ये इस तरह का है। और ये जैसे मैंने बताया था कि जो मानसून ट्रफ है वो अब ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि ये जो ये डिप्रेशन वगैरह ये सब जब हट जाते हैं डिप्रेशन वगैरह, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो आज से क्या है कि कल से ही बारिश शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश, तेज बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड अभी भी अगले 2-3 दिनों तक हो सकते हैं। अगर आप पहाड़ों पर जाकर एंजॉय करने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्थगित कर दीजिए, क्योंकि खतरा काफी ज्यादा है। उसके बाद आप जा सकते हैं। वीडियो आप मेरा देखते रहिए, जैसे जैसे मौसम सुधरेगा मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा विंडो है, किस समय आप जा सकते हैं। अब पंजाब की बात कर लेते हैं, तो अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई इलाकों में आज बारिश होगी, आगे 2-3 दिनों तक पंजाब में बारिश होती रहेगी। हालांकि लगातार मूसलाधार बारिश नहीं होगी, मौसम सुहावना बन जाएगा। जिन जिन इलाकों में बारिश नहीं थी वहां पर भी बुक्सर, अबोहर, फजलिका, बनसा, बठिंडा, अमोगा, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। उत्तरी पंजाब में भी अच्छी बारिश है। उसी तरह से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में आपको बारिश दिखाई देगी और अच्छी बारिश दिखाई देगी। इसको हम मैप से ही देख लेते हैं, थोड़ा मैप से इजी रहेगा। तो ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और अब अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के हिसार, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, नू, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। दिल्ली NCR में भी अच्छी बारिश की संभावना रहेगी जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रह सकती है। यानी कि मौसम अगले कई दिनों तक सुहावना हो जाएगा, गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफी दिनों के बाद जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर से निकलना शुरू हुई है। यहाँ से जाएगी और हवाएं इस तरह से घूमेंगी। जब इस तरह से घूमती हैं तो आपको मालूम है कि घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि ये
एंटी क्लॉक वाइज घूमती है, तो हवा ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है तो ठंडी होती है, बादल बनाती है, बारिश होती है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि आपका सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, ये यहाँ से प्रतापगढ़, गौरीगंज, रायबरेली से लेकर के पूरा आपका जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इधर झांसी, ललितपुर, महोबा, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, यहाँ सब इलाके में बारिश होगी जो अगले दो तीन दिनों तक कम से कम रह सकती है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी काफी दिनों के बाद, क्योंकि ट्रफ जो है वो बिहार के ऊपर से ही निकलेगी और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इन सब के प्रभाव से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश रहेगी, पूरा बिहार बारिश देखेगा और अच्छी बारिश देखेगा। अब अगर यहाँ की बात करें हम तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, यहाँ पर जो बारिश कम हो रही थी यहाँ शुरू हो जाएगी। झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं दो दिनों के बाद, यानी 24 घंटे के बाद। और ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, यहाँ पर भी लाइट रेन यानी पैची, टुकड़ों में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। पूरी तरह सूखा नहीं रहेगा, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश है। रीवा, सतना, सिद्धी, पन्ना, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, सारे इलाके बारिश देखेंगे। दक्षिण पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश कम होगी, लेकिन दो दिनों के बाद यानी 24 घंटे के बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, दो चार दिनों तक यहाँ पर मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो सकती है, मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में हो सकते हैं। आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कवर्धा, बेमतारा, बलोद बाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतारी, कांकेर, कोडागांव, बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड में भी काफी दिनों के बाद अच्छी बारिश की संभावना है, क्योंकि ट्रफ जो है वो झारखंड के थोड़ा सा ऊपर वाले भागों से जाएगी, तो उसमें भी जो बारिश है आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरदी, देवगढ़, दुमका, गोड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, जमताड़ा, बोकारो, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। सिमडेगा और चायबासा, जमशेदपुर भी ठीक ठाक बारिश देख पाएंगे। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां काफी दिनों से कम हो रही थी, अब बढ़ जाएंगी। कोस्टल एरियाज में भी, यानी कि जो आपका है बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भुवनेश्वर, पुरी, ये गंजम, छतरपुर, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होंगे, बहुत भी नहीं होगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में बारिश थोड़ा सा अच्छी हो सकती है। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बनसकांता, पालनपुर, पाटन, महेशाना, साबरकांठा, अरवली, गांधीनगर, अहमदाबाद, पंचमहल, दाहोद, ये सारे इलाकों में बढ़ेगी। अमरेली, गीर सोमनाथ, वेरावल, यहां पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। रन ऑफ कच्छ, देवभूमि, ये द्वारिका, खंबालिया और जामनगर, मोरबी, गांधीधाम, राजकोट, सुरेंद्रनगर, यहां पर हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, खास करके कोस्टल महाराष्ट्र में ज्यादा रहेगी। मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और जो महाबलेश्वर और माथेरान वगैरह में अच्छी बारिश है। गोवा में भी अच्छी बारिश है। बाकी जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ थोड़ी सी कम रहेगी और विदर्भ में भी मॉडरेट शावर्स आपको दिखाई देते रहेंगे। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, जैसे कि आपका देखिए 24 परगना है, मिदनीपुर है, झारग्राम है, हुगली, हावड़ा, वर्धमान, बीरभूमि, बांकुड़ा, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ बारिश अच्छी होगी। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तरी दिनाजपुर में भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना है और उसी तरह से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मॉडरेट टू हैवी शावर्स हो सकते हैं। ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी हल्की बारिश रहेगी। अब बारिश की गतिविधियां अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो कोस्टल एरियाज अभी भी, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, तो कोस्टल एरियाज कर्नाटक के बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। अंदरूनी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देगी। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है कि एक ट्रफ है जो तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश तक आ रही है, तो तेलंगाना के कई इलाकों में तेज बारिश है। हालांकि जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आएगी, मौसम अच्छा रहेगा, तापमान कम रहेंगे, गर्मी से राहत मिलती रहेगी। अब अगर हम कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में मैं देखिए कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश थोड़ी सी कम है, लेकिन हाँ फिर भी तेलंगाना के साथ साथ है, कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कम है और थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम दिखाई देंगी आपको। और अगर ये देखिए, यानी कि अगले 24 घंटों तक तो आपको जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश रहेगी, लेकिन तेलंगाना के कई अच्छे बारिश देखेंगे और रायलसीमा में भी थोड़ी सी बारिश रहेगी। तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम दोबारा से हो जाएंगी, वैसे भी बहुत ज्यादा हो नहीं रही थी। केरल में सूखे जैसे हालात फिर से हो जाएंगे, केरल डेफिशिएंट ही बना रहने की संभावना है। केरल में
जो मानसून जो सर्ज है वो ज़्यादा नहीं हो रही, रफ जो है वो केवल उत्तरी कर्नाटक तक ही है, इसीलिए यानी कर्नाटक के बीच तक है तो ज़्यादा बारिश नहीं होगी। और उसी तरह से लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियाँ अब कम हो जाएंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील और कार निकोबार, ये सारे अच्छी बारिश देख पाएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी सबसे जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।